यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक सेम चल रहा था अभी, 8.1 एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल, एंड वी विल टेक सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द एनसीईआरटी एंड सम फ्रॉम एक्स्ट्रा बुक आल्सो। ठीक है, पहले हम एक तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद जो है हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मैंने 5 तक करा दिए थे ना शायद आपको, तो उसके बाद हम 6 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, नोट करो क्वेश्चन, और मैं आपसे ही पूछूंगी कि ये क्वेश्चन जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज जो थी वो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दी थी सारे क्वाड्रिलेटरल्स की, एंड वन बाय वन कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा कराए भी थे, एंड आज हम मैं पहला क्वेश्चन लिख रही हूँ। पहला क्वेश्चन है टू अपोजिट एंगल, नोट करो कॉपी पे और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x प्लस 2 डिग्री। फिर नहीं कहना कि ये क्वेश्चन कहां से आ गए, क्योंकि जो 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर से रिलेटेड, वो आपके इसी तरह से आएंगे। ठीक है, 3x प्लस 2 डिग्री, 3x माइनस 2 डिग्री एंड 50 माइनस x डिग्री। नोट कर लो क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। साथ साथ तुम्हारी ये प्रैक्टिस भी हो इस चैप्टर की, ठीक है, रिवीजन भी साथ साथ ही करा रही हूं मैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ ही लेकर चल रही हूं मैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यस साहिल, स्टैंड अप प्लीज, टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। स्टैंड अप, स्पीक लाउडली, टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। यस मानिक, स्टैंड अप, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकेंड, और इक्वल टू 180 डिग्री, और जो यहाँ यूज होनी है, और कौन सी प्रॉपर्टी तेजस? यस, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिट डाउन प्लीज। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के कौन से यूज करेंगे? ये आपका पैरेललोग्राम है, मैंने फिगर ड्रॉ कर दी है। जैसे मान लो ये आपका पैरेललोग्राम है, टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, आपको दो एंगल गिवन है, एक एंगल का मेजर तो दे रखा है 3x माइनस 2 डिग्री, और एक आपको दे रखा है 50 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, आपको दो अपोजिट एंगल जो है गिवन है, तो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या होती है? अपोजिट एंगल आर इक्वल, यही प्रॉपर्टी होती है ना। तो प्रॉपर्टी लिखो, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर होगा। तो आपका एंगल ए कितने डिग्री है? 3x माइनस 2, और सी कितना है आपका? 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? यहां पर x को इधर ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में प्लस एक्स, माइनस 2 को राइट हैंड साइड में ले गए प्लस 2, तो 4x इक्वल टू 52, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 52 अपॉन में 4
ये आपका आ गया x की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, आपको हर एक एंगल का मेजर फाइंड करना है। तो पहले तो मैं ए और सी फाइंड करूंगी। आपका एंगल ए था 3x-2, तो x की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट, 30, यहाँ डिग्री बाद में लगाएंगे। ये आ गया 39-2, ये आपका आ गया 37 डिग्री। एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 37 डिग्री। तो एंगल सी भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें पुट करके देखूंगी, पहले पुट करके देखूंगी कि हमारा आंसर करेक्ट भी है या नहीं। तो x की वैल्यू 13 आई थी, तो ये आपका आ गया 37। तो एंगल ए और सी क्या आ गए, इक्वल आ गए ना आपके, आए या नहीं आए। अब आपको बी और डी भी फाइंड करने हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, भविष्य ने कहा था कि एडजेसेंट एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही कहा था ना आपने। तो अपोज एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल। क्यों एडजेसेंट कहते हैं, स्टैंड अप प्लीज, क्योंकि यस, क्योंकि इसकी जो साइड है दोनों एंगल की, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस बी, ये कैसे एंगल है हमारे, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। इसे हम को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। तो एंगल ए हमारा आया 37, तो बी कितने डिग्री का आ जाएगा हमारा, 180-37, ये आ जाएगा हमारा 143, ठीक है। तो अगर हमारा बी 143 है तो डी भी क्या होगा हमारा, 143। सो एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 143। समझ आया आपको, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आपका 1 मार्क, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और इसको आप विदाउट सोल्यूशन नेवर राइट द, बच्चे क्या करते हैं, सीधा आंसर लिख के आ जाते हैं, रफ में सॉल्व किया सिर्फ आंसर लिख के आ जाते हैं कि ए 37 है, सी भी 37 है, बी भी आगे, बी भी 143 और डी भी, इस तरह से नहीं, पूरा इसको सोल्यूशन जो है आपने लिख कर आना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन जो है आपकी नोटबुक पे होने चाहिए, जो मैं एक्स्ट्रा करा दी। अब क्वेश्चन नोट करो, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या लिख रही हूं, मैं अभी आप लोगों से ही पूछने वाली हूं, इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, टू थर्ड ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यस गागी, स्टैंड अप प्लीज। अगर मैंने फिगर ड्रॉ की ये वाली, तो टेल मी द एडजेसेंट एंगल फर्स्ट। यस एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं पहले, यस एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। तो उसने कहा है क्वेश्चन में, पहले देखो, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, अगर ये एंगल अगर आपका लेट कर लिया मैंने एक्स है, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, यही है ना। तो अगर ये एंगल एक्स है
तो ये वाला जो एंगल एडजेसेंट है वो इस एंगल का 2/3 है. इट मीन्स 2/3 एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2x/3. समझ आया? और इन दोनों का सम कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा. तो यहां पर लेट कर लो, लेट द मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू एक्स. सिट डाउन प्लीज. सो मेजर ऑफ एंगल ए इसका 2/3, तो 2x/3, राइट. अब एडजेसेंट एंगल का जो सम है, एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल. आपको फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, आपको इट मींस आपको क्या फाइंड करने है, सारे एंगल्स फाइंड करने हैं. तो यहां पर इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल ऑल्सो. तो यहां पर मैंने 3 एलसीएम ले लिया, 3x + 2x = 180. यहां तक ये स्टेप समझ आ रहा है सब बच्चों को? 3x कैसे आया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या था, 1 था. 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x. तो ये आ गया आपका 5x/3 = 180. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 5x = 180 × 3. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 × 3/5. यहां तक समझ आया सब बच्चों को? ये आपका कैंसल हो जाएगा 36 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 108. अगर x को मैंने d लेट किया था, अगर b आपका 108 है तो a आपका कितना है, अगर x आप b आपका 108 है तो एंगल a इस b एंगल का 2/3 था. 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18. तो एंगल ए कितना आ गया आपका, 72 डिग्री. इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 180 में से 108 जाएगा तब भी आपका 72 ही आएगा. नाउ एंगल ए और सी इक्वल हैं, तो एंगल ए और सी इक्वल हैं, तो सी कितने डिग्री का आ जाएगा, ए 72 है तो सी भी क्या आ गया, 72. और अगर आपका बी कितने डिग्री का आया है, 108 डिग्री का, ठीक है ना, तो आपका सी भी कितना, डी भी कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि बी डी के इक्वल है, तो आपका डी भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 108 डिग्री. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप बच्चों को? समझ आया सब बच्चों को? तो आपका बी भी 108 डिग्री का आ गया और सी भी आपका कितने डिग्री का आ गया, 72 डिग्री. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नाउ अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और हम एक्स्ट्रा लेंगे, राइट. बीच बीच में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए करा रही हूं ताकि आप बोर फील ना करें ये चैप्टर जो है, क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर है तो बच्चे जो है इसमें बोर फील करते हैं. अभी क्वेश्चन 5 तक हो गए थे, टुडे आई एम टेकिंग द 6th क्वेश्चन. सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट तो कर दिया था मैंने, ठीक है, हो गया था क्लियर. सो आई एम टेकिंग द 7th क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड पार्ट रहता था. चलो दोबारा से एक बार करा देती हूँ. देखो क्वेश्चन 6 है, प्लीज यहाँ पर क्वेश्चन 6 है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी. एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, जिन बच्चों को नहीं क्लियर हुआ था ध्यान से देख लो. हमारे पास ये पैरेललोग्राम गिवन है एबीसीडी. डायगोनल एसी जो है वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है. इट मींस एंगल बीएसी और एंगल डीएसी जो है ये आपस में क्या है, इक्वल दोनों है, ठीक है. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. आपको क्या चीज प्रूव करनी है, आपको दो चीजें शो करनी है. नंबर 1,
एक तो बाइसेक्ट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल करना है, और नंबर टू आपको करना है, नंबर टू दे रखा है कि ये रोम्बस भी है, इसकी सारी साइडें बराबर हैं, ठीक है। आपको दो चीजें शो करनी है, तो गिवन लिखो पहले सब बच्चे, गिवन लिखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है, यही दे रखा है ना आपको। और इट मींस वो हम इसका एंगल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए का जो मतलब है वो मैं प्रूफ में लिख दूंगी, ठीक है। और आप प्रूफ में लिखो टू प्रूफ कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए सी, नंबर वन तो ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, एक तो हमें ये प्रूफ करना है, और नंबर टू हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। कोई भी स्टूडेंट मुझे खड़े होके बताओ कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। यस स्टैंड अप प्लीज। एक तो ऑल साइड्स आर इक्वल राइट, नंबर टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू इट ऑल्सो, ठीक है। एक तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और उसके डायगोनल्स जो हैं वो 90 पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ लिखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है, ठीक है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंगल टू और थ्री कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल है, इट फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल। इट फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल, यहां तक समझ आया। सिमिलरली अगर ये बी सी ए डी के पैरेलल है, ठीक है, और अगेन एसी ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगेन एसी एसी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, तब आपका एंगल वन और फोर कैसे एंगल है, तब भी एंगल अल्टरनेट है, फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल। बट गिवन में क्या दे रखा है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये गिवन है। क्यों है ये, क्योंकि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ये स्टेप देखो, अब मैंने क्या करना है, अगर एंगल टू थ्री के बराबर है और एंगल वन हमारा फोर के बराबर है और वन टू के भी बराबर है, ठीक है, तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी गेट, फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी गेट, कंपेयर करेंगे from 1, 2 and 3 we get, क्या मिला हमें, अगर आपका एंगल 1, 2 के इक्वल है और 1, 2 के इक्वल है, 2, 3 के इक्वल है और 1, 4 के इक्वल है, तो इट मीन्स जो इसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी वो भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना।
So angle 3 equal to 4 also. तो एंगल 3 अगर 4 के इक्वल है, अगर ये एंगल इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर था तो ये A को बाइसेक्ट कर रहा था, और अगर ये इसके बराबर है तो इट मींस AC बाइसेक्ट एंगल C. तो यहां पर लिखो AC बाइसेक्ट एंगल C. ये आपका फर्स्ट तो प्रूव हो गया. पहली चीज आपको समझ आ गई कि मैंने कैसे निकाला है इसको. देन AC bisect angle C, ये possible नहीं हो रहा होगा तो इसे मैं यहां लिख रही हूं. So AC bisect angle C. इसको मैं यहां लिख रही हूं, एक बार फिर से यहां लिख रही हूं, ठीक है. From 1, 2 and 3 we get एंगल 3 इक्वल टू 4. 3 इक्वल टू 4 है तो इट मींस AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो. अंडरस्टूड? ये आपको समझ आ गया? नाउ इट इज विजिबल, ठीक है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट. ये आपको क्लियर हो गया? नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको इसे रोम्बस भी प्रूव करना है. पहला स्टेप तो आपका हो गया, यहां पर लिखो फर्स्ट प्रूव. Now second, rhombus लाने के लिए मुझे सारी साइडें बराबर करनी है. तो मैं साइड्स कैसे इक्वल करूंगी, यही वाली प्रॉपर्टीज को कैसे करें हम. एंगल 1 जो था वो 2 के इक्वल था. क्यों था? रीजन लिखो पर, क्योंकि AB पैरेलल टू CD एंड AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड. तक समझ आया? और मैंने लिखा था कि एंगल 2 जो है वो 3 के भी इक्वल है, ठीक है. वो क्यों इक्वल है? क्योंकि BC AD के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है. एंगल 1 2 के बराबर है क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल C. ये स्टेप नहीं है, सॉरी. यहां पर लिखो क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल A, ये गिवन था हमारे पास. एंगल 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है क्योंकि AB CD के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है. ये अल्टरनेट एंगल है ना हमारे. तो इन दोनों से क्या आ गया, फ्रॉम यहां तक, यहां पर हमने 3 तक नंबर दे दिए थे. फ्रॉम 4th एंड 5th वी गेट, फ्रॉम 4th एंड 5th वी गेट क्या मिला हमें? अगर 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 3 के भी बराबर आ गया. इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया, अगर आपका 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है तो इट मींस 1 3 के भी इक्वल है. तो यहां पर लिखो सो 1 इक्वल टू 3 आल्सो. 1 इक्वल टू 3 आल्सो. अगर 1 3 के बराबर है तो एक ट्रायंगल में, जब मैंने आपको 7th चैप्टर कराया था, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं एक ट्रायंगल में, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती है? इक्वल एंगल है और इक्वल अपोजिट साइड्स, थ्योरम कराई थी ना मैंने. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अगर एंगल 1 3 के इक्वल है तो इन ट्रायंगल एडीसी, अगर एंगल इक्वल हैं तो मैं प्रॉपर्टी क्या लिखूंगी, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल. और इक्वल अपोजिट, अगर एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है. इसका कन्वर्स लिखो, इक्वल एंगल हैव, इक्वल एंगल हैव इक्वल अपोजिट साइड. अपोजिट साइड अगर एंगल बराबर होते हैं तो उनकी साइड्स भी अपोजिट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है.
तो अब हम क्या लिखेंगे, अगर एंगल 1 3 के इक्वल है तो 1 के अपोजिट में साइड कौन सी है, डीसी, और 3 के अपोजिट में साइड कौन सी है, एडी। ठीक है, और हमारे पास ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन था, तो अगर ये पैरेललोग्राम गिवन है तो हमारा एडी जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के भी इक्वल है, और डीसी जो है वो एबी के इक्वल है। तो अब ध्यान से ये तीनों स्टेप देखो, अगर ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है और ये इसके बराबर आ गई, तो इट मीन सारी साइड्स ही आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहां पर लिखो देन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। तो अगर एक पैरेललोग्राम की सारी साइड आपस में बराबर आ जाती हैं, देन ए बी सी डी इज अ रोमबस। नोट करो, यहां पर लिखो सो ए बी सी डी इज ए रोमबस। अगर सारी साइड्स इक्वल आ गई तो वो क्या है, अगर एक पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स जो हैं अगर वो इक्वल हैं तो देन इट इज अ रोमबस। समझ आया सब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो हमारे पास क्या क्या चीज गिवन थी, एक तो ये पैरेललोग्राम गिवन थी और एक हमारे पास क्या गिवन था, एसी बाइसेक्ट एंगल ए, हमारे पास एंगल 1 2 के बराबर था और 2 मैंने 3 के इक्वल किया और 1 4 के इक्वल किया क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल थे, तो इट मीन्स 3 भी 4 के बराबर हो गया। तो अगर 3 4 के बराबर आ गया तो इट मीन्स एसी बाइसेक्ट एंगल सी। ठीक है, तो पहली चीज हमने ये प्रूव की थी और सेकंड चीज हमारा 1 2 के बराबर था और 2 3 के बराबर था फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर 2 3 के बराबर है तो इट मीन्स 1 भी 3 के बराबर है, तो अगर 1 3 के बराबर है तो 1 के अपोजिट में साइड डी और 3 के अपोजिट में साइड ए डी। ठीक है, लेकिन डीसी किसके इक्वल है, एबी के भी बराबर है, और एडी किसके इक्वल है, बीसी के भी बराबर है, तो इट मींस सारी साइड्स ही आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अगर सारी साइड्स इक्वल हैं देन एबीसीडी इज अ रोमबस। समझ आया ये क्वेश्चन? एक ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो, अगर आपको इसमें एंगल दे रखे हो तो हाउ विल यू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Yes, मेरे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, नोट कर लो क्वेश्चन कॉपी में। सॉरी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल डी ए बी, डी ए बी ये जो पूरा एंगल है ये हमें दे रखा है 75 डिग्री का। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। और डी बी सी एंगल डी बी सी जो है, एंगल डी बी सी जो है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। ये एंगल अगर 60 डिग्री गिवन है, कंप्यूट एंगल आपको क्या दो चीजें फाइंड करनी है, कंप्यूट एंगल सी डी बी, एक तो आपको सी डी बी ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, और एक आपको फाइंड करना है एंड एंगल ए डी बी, एक आपको ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Yes, stand up. Yes.
यस, अगर ये एंगल हमारा 60 है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल. और सेकेंड, ये एंगल हमें डी ए बी ये कितने डिग्री का दे रखा था, 75 डिग्री का, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 75 डिग्री. और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम ट्रायंगल क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे. समझ आया? देखो सबसे पहले अगर मुझे ये वाला एंगल, हमें ए डी बी अगर फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, डी बी सी के, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल. तो यहाँ पर लिखो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल. ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? तो ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है. तो ए डी बी हमारा अगर सॉरी डी बी सी अगर हमारा 60 डिग्री है, ये हमें 60 डिग्री गिवन था, तो ए डी बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. यहां तक समझ आया? अब हमारा ये वाला एंगल 75 गिवन था, तो हमारा एंगल सी भी कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यहां तक समझ आया? तो अगर ये इक्वल है तो अब मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ. कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिखो एंगल सी. अब कुछ बच्चे बी को बी लिख के आ जाएंगे, उन्हें ये नहीं पता कि ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा था. तो यहां पर बी जो है, डी बी सी पढ़ोगे तो ये एंगल आएगा, डी बी ए पढ़ोगे तो ये वाला एंगल आएगा, इसीलिए उसको बी मत लिख देना. ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी, अगर मैं कह दू ना कि यहाँ पर एक ट्रायंगल के आपको एंगल फाइंड करने हैं, कोई मिसिंग है अगर, तो वो बी को बी लिख के आ जाएंगे. लेकिन ये ध्यान रखना कि उसको ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल डीसीबी में सी को तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल सी, लेकिन आप बी को कैसे लिखोगे, एंगल डीबीसी, और डी को कैसे लिखोगे, बीडीसी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, समझ आया? अब आपका एंगल सी 75 है और आपका एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, तो बी डी सी कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 में से 135 माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री. समझ आया सब बच्चों को? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? इट्स ओके नाउ? यस. Now I am taking the seventh question of NCERT. ठीक है, seventh question note down कर रहे हो आप ये? Yes, note down please. Question seventh है आपका, ABCD is a rhombus. हमारे पास given है कि ABCD rhombus है. रोम्बस है तो इट मींस इसकी सारी साइड्स इक्वल गिवन है. ठीक है, और शो दैट, आपको दो चीजें शो करनी है. पिछले क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि एसी डायगोनल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो सी को बाइसेक्ट आपको निकालना था. और अभी आपको दोनों चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है कि एक तो एसी बाइसेक्ट ए एज वेल एज सी, वो ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है. नंबर टू आपको शो करना है कि बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. आपको दो चीजें शो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये पेपर में. तो गिवन में लिखो, गिवन में हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए रोम्बस. रोम्बस है तो ऑल साइड्स इक्वल है. ठीक है, तो क्या प्रूव करने है हमें, दो चीजें प्रूव करनी है हमें. नंबर वन, डायगोनल एसी
bisect angle A as well as angle C. और सेकेंड आपको प्रूव करना है डी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. प्रूफ लिखो. देखो मैं इसको रफ समझाती हूं पहले ये क्वेश्चन आपको किस तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन को. देखो हमें पहली चीज प्रूव करनी है एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. इट मींस मुझे ये वाला एंगल इसके बराबर करना है और ये वाला एंगल इसके बराबर करना है. ठीक है तो हम कैसे प्रूव करेंगे. पहले फर्स्ट आई विल टेक ट्रायंगल. आपको मैंने फर्स्ट थ्योरम कराई थी कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है. फर्स्ट थ्योरम यही कराई थी मैंने आपको. एंगल एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम के बाद फर्स्ट थ्योरम जो कराई थी वो यही कराई थी आपको. ठीक है तो अगर ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल एबीसी और एडीसी को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो कॉन्ग्रुएंट करने से क्या आ जाएगा. इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला और इस ट्रायंगल का ये एंगल बाय सीपीसीपी. अब इसे ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कैसे करूं तो यहां पर लिखो ट्रायंगल एबीसी में एंड ट्रायंगल एडीसी में. क्योंकि ये रोम्बस गिवन है तो सारी साइड्स इक्वल हैं. तो इस ट्रायंगल की मैंने ए बी ले ली साइड और इस ट्रायंगल की सी डी ले ली. यहां पर लिखो All sides of rhombus are equal. Second point में क्या लिखूंगी BC AD के भी बराबर है. अगर ये rhombus है तो it means it is a parallelogram also. ठीक है ना. Parallelogram के भी opposite sides क्या होती है equal होती है ना. तो यहां पर यहां भी reason यही लिख देना because all sides of rhombus are equal. और diagonal AC equal to diagonal AC common. तो triangles क्या हो गए कौन सी property से हुए side 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 से. अगर ये triangle आपके congruent हो गए तो हम क्या लिखेंगे angle BAC इक्वल टू एंगल डीएसी. ठीक है बाय सीपीसीपी. यहां तक क्लियर हुआ. और सिमिलरली एंगल बीसीए इक्वल टू एंगल डीसीए यहां पर भी लिखो बाय सीपीसीपी. तो इसका मतलब क्या हो गया इन दोनों से क्या मतलब हो गया डायगोनल सी बाइसेक्ट. इसका क्या मतलब हो गया ये मैं यहां कर रही हूं इसके बाद डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे. मैं इसको आपको सिर्फ रफली बताऊंगी. अब कौन से ट्रायंगल लोगे कौन सा बच्चा बताएगा कि बीडी डायगोनल जो है वो बी को भी और डी को भी. कौन स्टूडेंट बताएगा. यस तेजस. कौन सा ट्रायंगल लोगे ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीडीसी.